वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। अभी कुछ समय के बाद ये व्लॉग आ रहा है, बट आई एम श्योर ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव। ये महादेव का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है। तो इसका ट्रैक की डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। अभी हम दिल्ली से जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से हम जाएंगे रामपुर, रामपुर से जाऊँ विलेज, और अगर इन डिटेल बताऊं तो दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर से जाऊँ विलेज। तो बस अभी चलता हूँ मैं, और रास्ते में अब आपको मिलता हूँ आगे। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं बस के अंदर। सबसे बेस्ट रहेगा दिल्ली से आप डायरेक्ट रामपुर वाली बस में बैठे। 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक 4 बसेस चलती है डायरेक्ट रामपुर की। अगर आप वो बस पकड़ लेते हो तो आप डायरेक्ट रामपुर टाइमली पहुंच जाओगे। ये अब हम पीते हैं जूस थोड़ा। और साथ में हो गया बिस्किट, ये लाइट फूड हम रख सकते हैं साथ में। तो एक रात सोलन दोस्त के घर पे बिताने के बाद हम निकल पड़े शिमला की ओर। अब हमारा आगे का सफर मिटियोर बोल दे बुलेट पे ही होगा। तो जैसा आप देख रहे हो, अभी हम पहुंच गए शिमला बस स्टैंड में, और ये मेरे पीछे है शिमला बस स्टैंड। अभी हमारी प्लानिंग ये है कि मेरे साथ वाला भाई वो जाएगा बस में, और हमारे सारा लगेज बस के हम डिक्की में डाल देंगे, बिकॉज मिट्योर और बुलेट हमारी उस पर ये सारा सामान कैरी नहीं हो सकता। तो बस अभी इस पर ये रखते हैं, और उसके बाद हम आगे मिलते हैं रामपुर में। ठीक है भाई, रामपुर में मिलेंगे भाई। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं दोस्तों, हमारी बस नहीं आ रही और 1:30 बज गया है। हाँ, सारी प्राइवेट बसें टाइम की ज़्यादा हो गया है। तो सूरज को बस में बिठाकर और सारा सामान बस के डिक्की में रखकर हम निकल पड़े रामपुर की ओर। मस्त है भाई, क्या डाइट होती है इनकी? घास चना चोकर। और कितना वेट होता है इनका? वेट होता होना 5-7 क्विंटल। 8 क्विंटल, सही है भाई। मेहनत तो बड़ी लगती होगी संभालने में ना? डेली नहलाने पड़ते हैं। बाल भी घने हैं ना इनके? बालों में तभी तो ऐसा साफ लगे, काम ही फोटो खिंचाना है। अरे ये दोनों बहन भाई हैं? इनकी एज कितनी रहती है एवरेज? 25-26 साल बोलते हैं, बाकी हमने देखा नहीं अभी तक 25 साल। और आपने कितनी देखी है? यही है सबसे बड़ा हमारे पास, 15-16 साल। अच्छा, मस्त है भाई। ओ भाई साहब, पूरा फट चुका है ना, इधर से पीछे से लगे हो टायर देख। टायर भी पहले उसमें चल रहा था। हाँ हाँ, पहली पंचर होना इसका, ये पहली उसमें चल रहा था, क्या बोलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया ना कि भाई कुछ नहीं पता जिंदगी का कब क्या हो जाए यार। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये क्या है भाई? वर्ल्ड का हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम है, तो आप यहाँ पे और तो ये भी इंजॉय कर सकते हो, है ना? ये दिखा दो ऊपर से, ये है इसका एरियल व्यू, और वी कैन से क्रो व्यू। क्या लग रहा है ना यार, अमेजिंग।
हर मोमेंट पे व्यूअर कितने व्यू दिखाए आप लोगों को उतने व्यूज हमें भी दे दो इतने व्यूज कोई हमें भी दे दो ये बढ़िया था वैसे, थोड़े तो हमें भी दे दो ना यार, शेयर कर दो ना यार। आ जा थोड़ा सा फेस वॉश कर लेते हैं, सुबह से चल रहे हैं बंगाले बन चुके हैं, पता नहीं कितनी मिट्टी जमी है। भाई चलो बाल भी ऐसे हो गए, हवा भी उड़ते। जाऊलेज क्योंकि हमारे हम तीन बंदे और रुकने के लिए कैंप भी गए हैं, बट एक बुलेट पे तीन बंदे नहीं बैठ सकते और जा नहीं सकते, तो हम आज का स्टे यहीं पे करेंगे। देखते हैं कैसे स्टे करेंगे, वैसे तो कैंपिंग का प्लान है बट अगर कुछ और हुआ किस्मत में तो हो जाएगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी सूरज आगे खड़ा होगा, उसको बस वाले ने आगे जाके छोड़ दिया, उसको बोला यहाँ से रास्ता कटता है, वो आगे चला गया, वो रास्ता आगे को देख रहा है, जरा देखते हैं क्या रहता है अब। ये देखो शोर मचाते ही आ रहे हैं, सिविलाइजर बॉय सूरज को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन जो दिख रहा है दबा दो। कैंप तो लग जाएगा यहाँ कहीं भी। भाई रात का समय हो गया और हम 2 किलोमीटर पैदल चले हैं। लब भाई पीछे मुड़ के बोल दो कुछ यार, इसने हमें बोला कि बस 1.5 किलोमीटर आगे चले जाओ, तुम्हें एक आर्मी हेडक्वार्टर मिल जाएगा और एक घर मिल जाएगा। तो हमारा मेन हमारा था कि चार्जिंग चुर्जिंग हो जाएगी ठीक है ट्रैक के लिए, जो पावर बैंक ख़त्म हुआ है फ़ोन की बैटरी, बट 2-3 किलोमीटर हो गए अभी तो, उसमें ना बंदा ना बंदे की जात। बस एक गाड़ी आ रही है जो उनमें जिनमें से एक भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। देख लो भाई तो अभी हम हैं रामपुर से जाऊं वाली साइड को 4-5 किलोमीटर आगे। ये जो है प्लेस ये चारों तरफ से आर्मी एरिया से घिरा हुआ है और हम बीच में हैं स्कूल के ग्राउंड में, और इसका शेयर ज़्यादा है जो आपने वीडियो में अभी देखा जो वाइट टी शर्ट में भाई था राकेश भाई इन्होंने हमें सपोर्ट किया और इन्होंने हमें मतलब आर्मी वालों को बोला कि ये मेरे दोस्त हैं आप इनको यहाँ पे कैंप लगाने दो। तो बस अब हमने कैंप सेटअप कर लिया है और थके हुए बहुत ज़्यादा है, तो नींद आई एम डैम श्योर बहुत ज़्यादा तगड़ी आने वाली है। सोते हैं और आपको मिलते हैं हम मॉर्निंग में। गुड नाइट जिंदगी जी। आपको हम नाइट में तो नहीं दिखा पाए हम कहाँ सो रहे थे। ये प्लेस था, ये ग्राउंड है, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, ये रहा पीपल का पेड़ और ये है स्कूल, छोटे स्कूल होते हैं ना गांव में पाठशालाएं काइंड ऑफ, वो स्कूल है। देखो स्कूल के पीछे कितना प्यारा सैनिक व्यू है। ये हमारी चेयर बनाई हुई है, ये पेड़ एक और यहाँ पे लगाया था हमने कैंप। अभी चल रही है पैकिंग, जितना सामान हम कम कर सकते, तो ब्लैक बैग में तुम आप लोग देख रहे हो ये सामान हमने कम किया है, बिकॉज जितना हम कम कर पाएंगे उतना सही रहेगा। और रात के लिए बोलूँ तो रात को हमें सुबह जाके 4 बजे हमें थोड़ी ठंड लगी है, वरना तो हम विदाउट स्लीपिंग बैग ही सो गए थे, बट जब हमें 4 बजे हल्की सी ठंड लगी फिर हमने स्लीपिंग बैग खोले और देन लेट गए। तो बस ये कि अब नींद पूरी हो गई है, थोड़े फ्रेश फ्रेश होते हैं, जल्दी से जल्दी अब निकलना है और फिर दर्शन करने के लिए यात्रा स्टार्ट करनी है। चलते हैं आज देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अरे
ये लास्ट पॉइंट है जहाँ बस आपको ड्रॉप करेगी जाम विलेज में। यहाँ से बस ले लेते हैं यू टर्न। यहाँ पे देख लेना, ये घर एक शॉप ये बनी हुई है और एक ये दो हो के। अब यहाँ से हमें थोड़ा और आगे 1-2 किलोमीटर आगे जाना है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। चलो अब चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब जा रहे हैं हम महादेव के वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक में, सबसे मुश्किल ट्रैक जिसे बोला जाता है श्रीखंड महादेव। हम जा रहे हैं, इस टाइम यात्रा तो नहीं खुली है पर जो अच्छा ट्रैकर है वही कर सकते हैं इस टाइम में, बाकियों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आओ। ऊपर हमें दिख तो रहा है अच्छी स्नो है वहाँ पे, प्रॉपर ग्लेशियर दिख रहे हैं, इट मीन बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस ये अभी चलते हैं और आज का हमारा प्लान है कि आज हम बाबा जी के पास रुकेंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से, तो लेट्स जॉइन और चलो इस यात्रा को महसूस करते हैं। हमारी राइड ये रहेगी, इससे जाएंगे जल्दी आगे तक जा पाएंगे, तो आगे चलते हैं। अगर आप लोग साथ होते तो इसमें जाते हैं। चलो कैसा लग रहा है फिर पानी पी के भाई? धीरे धीरे यात्रा करके पानी पीना एक सुकून देता है। ये शिवजी जी की मूर्ति बहुत प्यारी थी और इस जगह का नाम था सिंघार। जो सामने आप हॉल देख रहे हो शेड, यहाँ लगता है लंगर जब यात्रा चलती है। यार अभी हम बहुत आगे आ गए, हमें बस यही बोलते 3 किलोमीटर है, 3 तो नहीं लग रहा है, बहुत आगे आ चुके हैं। अब ये है कि यहाँ से पाइपलाइन जाती हुई दिख रही है, वो पाइपलाइन जैसे है ना, इससे हमें एक ट्रस्ट हो रहा है कि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो राइट ट्रैक है। और आपको कुछ पॉइंट्स पर लगेगा कि ये गलत 2-3 रास्ते निकल रहे हैं, तो तीनों दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में जाना, थोड़े से मतलब 100 मीटर के बाद ना एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि रास्ता जनरल है कि नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, मुड़े ना तीनों एक्सप्लोर कर लें 2-3। बस ये कि अभी चलते हैं, अभी बाबा जी का हमें लगा था पिछलू आ जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं आया, तो फटाफट चलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है और टाइमली पहुँचे, हम पहुँच निकलने में लेट हो गए थे, वो हमारा मेन ड्रॉबैक था। तो चलो बस अब चलते हैं। महादेव बोले लाइफ पूरी जी ना, आधी लाइफ जी के कुछ नहीं रखा है दोस्तों। यहाँ पे आपका पूरा ट्रैक नदी के साथ साथ चल रहा है, तो सोचो क्या वाइब होगी, थकावट भी होती है बीच में, लगता भी है बाबा जी कहाँ रह गए, पर नदी की साउंड थोड़ा अच्छा फील कराती है, सब बहुत अच्छा फील कराती है। ऑल अबाउट लिव योर लाइफ। चलो चलते हैं नीचे। ये है श्रीखंड महादेव की वन ऑफ द फेमस स्टेयर्स, यार जहाँ जो यहाँ तक लाए होंगे ना इस एरिया, उनको भी सैल्यूट है, सैल्यूट। चलो अब हम काउंट करेंगे कितनी स्टेयर्स है इसमें। ओके, 1-2-3-4 बाबा जी की जय जयकार। तो गाइस हम बाबा जी के पास पहुंचने वाले हैं, बस फाइनली पहुंचने वाले, फाइनली पहुंचने वाले हैं। हम अभी तक ये सोच रहे थे बस पहुंच गए, जैसे हमारे को लोकल लोगों ने बताया था, बस यहाँ आगे 3 किलोमीटर, पर वो 3 किलोमीटर शायद ज्यादा लगे हमें, है ना? नहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लोग बोलते हैं, मैं सच्ची बोलूं ये यहाँ तक का भी मतलब बाबा जी के यहाँ तक का भी एक अलग ट्रैक है, मतलब बहुत सारे ट्रैक इतने में ही खत्म हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या यार, ये देखो यार, अभी तो हम फिर भी थोड़े ऊपर हैं, हम नीचे को ही जा रहे हैं,
ये पानी मेक्स मी क्रेजी। चलो बाबा जी के पास चलते हैं। हर हर महादेव बोले। ये जय महादेव मेरे भाई, क्या दुनिया जीते हो यार। आपसे बड़ा पुण्य कर्म किसी ने नहीं कर रहे होगा जो आप कर रहे हो ना यार, है ना। जय महादेव। देखो अभी कोई नहीं आया है, अभी बस हम लोग हैं, बाबा जी के पास चलते हैं। लव भारद्वाज, LUV भारद्वाज। कहाँ से? नाहन। कॉन्टैक्ट नंबर? चलो बाबा जी आप भी चलो हमारे साथ। चीनी चाय है? आप भी चलो हमारे साथ। अबे देख नहीं लिया कितना खिला रखा है। बीच में बता देते हैं क्या टेंट है वहाँ पे, है ना, टेंट लगाने की जगह है। कुंभा में भी है ये 30 में, और कुंभा कितने कितने किलोमीटर के बाद है? और यहाँ से 2 किलोमीटर होएगा 30 पहले वाला, उसके बाद 2 किलोमीटर कुंभा होएगा। ठीक है ठीक है, फिर हम चलते हैं। बाबा जी दिल खुश हो गया आपसे मिलके, ऐसे अपने भाई की तरह लगे मुझे। बाबा जी हमें भी बोल दो, ऊपर जाके भी कुछ नहीं रखा तो मेरे पास रुक जाओ। नहीं नहीं अभी तो यात्रा खुली है यार। चलो स्वामी जी फिर मैं हम ऊपर एक बार ट्राई मार के आते हैं, है ना। आपको भूख लगी थी? जान बचाओ जल्दी जल्दी होता, बाबा जी ने बोला है मैं रोक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। हमारी मजबूरी की वाट लग गई है, अभी तक सिर्फ 30 लोग होके आए हैं जो ऊपर गए हैं, उनमें से भी पता नहीं कितने कम लोगों ने यात्रा करी है, 7-8 लोगों ने। जान बचाओ भागो, चल 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 जल्दी चल। यहाँ से ट्रैक जो लेफ्ट साइड पर चल रहा था वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये है कनेक्टिंग वे, दिस इज द ब्यूटी। बस ये रही हमारी सतलुज नदी, ये जा रहे हैं। और यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, आप स्टेज चढ़ाइए। बोले भाई, ये हमारी क्यूरियोसिटी है और ट्रैकिंग करने की चाहत है और महादेव से मिलना है, तो बस अब ये कि यार जो थाचूड़ की चढ़ाई है वो बिल्कुल ऐसी है, देखो ये सीधी खड़ी है। और हमारे पास लोग जनरली इस ट्रैक पे खाली बैग आते हैं या सिर्फ एक कपड़े लेके आते हैं, बट मैं और ये भाई साहब पूरा बैग रख सकते हैं, लेके चढ़े हुए हैं। हेलो गाइस, सो अभी हम थाचुड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और थाचुड़ी ने हमारी जय माता दी कर रखी है और हमारी वाट लग रखी है, बट फिर भी अपन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, हमें धोखा दे दिया, रोका नहीं तो हम चार दे भाई। तो एक लेवल पर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना सामान, एक दिन होल्ड कर लो एक्स्ट्रा। यार लास्ट टाइम हमने यही नहीं किया, बस यही गलती थी। ये हो रही है कैंपिंग, ये
ऑफ बीट लोकेशन, श्री कंठ महादेव। वो हमारा भाई कर रहा है लकड़ी इकट्ठी। सूरज भाई हो गई लकड़ी इकट्ठी, वो हो रही है लकड़ी इकट्ठी साथ में, उधर लगेगी आग और इधर लग रहा है हमारा कैंप। जैसे हमारा सेटअप हो जाएगा उधर थोड़ी देर आग सकेंगे, उधर खाना बनाएंगे। भाई यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन पे। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई कैंप लगाता होगा, डर के कारण। लोकेशन देख सकते हो आप, हम पैदा इस चीज़ के लिए हुए कि नई नई चीज़ एक्सप्लोर करें। बॉटल रात को हमने पिया सूप, साथ में पराठे खाए और सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। असली ट्रैक अभी बाकी है मेरे दोस्तों।